आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। पांचमल नगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सरस्वती शिशु मंदिर पांचमल के विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक रूप से योग प्रदर्शन किया गया। सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय के संचालक समिति के अध्यक्ष और जिला सरसंघ चालक श्री राजेंद्र जगताप द्वारा बताया, सरस्वती शिशु मंदिर में विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास के साथ साथ बौद्धिक और शारीरिक विकास भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी छात्र छात्राओं द्वारा शारीरिक शिक्षा का सामूहिक रूप से प्रकटीकरण किया गया। विद्यार्थियों के द्वारा सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, आसन, शारीरिक क्षमता का सुंदर प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता के पूजन के साथ हुआ। विद्यालय के आचार्य दीदियों और विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना एवं विद्यालय के सामूहिक रूप से प्रार्थना कर अतिथियों का स्वागत किया गया। पश्चात विद्यार्थियों के द्वारा शारीरिक प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों द्वारा समय समय पर प्रदर्शन कर रहे भैया बहनों का उत्साहवर्धन भी किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य लोकेश गुप्ता द्वारा आभार व्यक्त कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य, आचार्य परिवार, अतिथि विद्यालय के छात्र छात्राओं सहित नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय 8वां योग दिवस है, जिसको 8 वर्ष हो गए योग दिवस को। माननीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरुआत की थी। पूरे विश्व में योग को लोग नहीं मानते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब ये आह्वान किया कि योग विश्व दिवस मनाएंगे, तो पूरे विश्व में करीब 94,200 ने योग दिवस मनाया था। और आज पूरे विश्व में योग किया जाता है। महर्षि पतंजलि ने जो योग शुरू किया था हजारों वर्ष पहले, वो आज भी जीवित है। और योग से किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होती है, स्वस्थ शरीर रहता है। और इसमें बहुत सारे बीमारियों का इलाज भी होता है, जो श्री रामदेव बाबा जी ने जो है ये सिद्ध किया है। योग से किसी भी प्रकार की बीमारी को अपन दूर किया जा सकता है। विद्यालय में सरस्वती शिशु मंदिर संस्कारों का दर्पण कहा जाता है, लेकिन इस वर्ष हम ये सोच रहे हैं कि संस्कारों के साथ में एक अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के जो नगर में जो माहौल बनता है, उस प्रकार पहला तो ये कि विद्यालय का जो वातावरण है अंग्रेजीमय करेंगे, पहला। दूसरा, अटल लैब हमारे अन्य विद्यालयों में आ चुकी है। इस सत्र में पहली योजना ये है कि अटल लैब लाएंगे हम। दूसरा, प्रयोगशाला लैब भी हमारे बहुत अच्छी है और उसको और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही खेलों के लिए हमारे बास्केटबॉल का मैदान, खो खो कबड्डी का मैदान, पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। उसी के साथ में हम जो हमारे 5 आधारभूत विषय जो चलते हैं, योग, शारीरिक, संगीत, संस्कृत शिक्षा, ये 5 आयाम विद्यालय में चल रहे हैं। और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या आवश्यक उपकरण लगने वाले हैं, उनकी भी हम पुष्टि करने वाले हैं। साथ ही विद्यालय में पूरी समिति, ध्रुवतारा शिक्षा समिति के सहयोग से जो भी लगेगा वो सामग्री का हम पूरा उपयोग करके आगे विद्यालय को बढ़ाने